हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अदर्शवितिया। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने रैंक कोरिलेशन का टॉपिक जो है लीनियर कोरिलेशन चैप्टर में कवर किया था, ओके। और हमने बात की थी कि एक हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो बाकी पड़ा है, उसका नाम है प्रोबेबल एरर, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबल एरर के बारे में, और ये जो क्वेश्चन है हमारी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाते हैं। तो प्रोबेबल एरर, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिखाएंगे आपको। प्रोबेबल एरर, उसको कहा जाता है पीई, ओके। शॉर्टकट हम इसका करेंगे, पीई कहा जाता है, प्रोबेबल एरर, ओके। तो इसका फॉर्मूला है 0.6745 वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, ओके। ये इसका फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है आपको प्रोबेबल एरर का, यही याद रखना है, ठीक है। 0.6745 वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन। जब भी आपको प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करना हो तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है प्रोबेबल एरर। चलिए, आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 54, ओके। तो आपको कहा गया है सम नंबर 54 में, फॉर अ बी वेरिएट सैंपल एन इज इक्वल टू 16, आर इज इक्वल टू 0.8, फाइंड प्रोबेबल एरर ऑफ आर एंड यूज इट टू टेस्ट द साइनिफिकेंस ऑफ कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड प्रोबेबल एरर, ठीक है, यानी कि पीई फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको दिया गया क्या है, एन इज इक्वल टू 16 और आर इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। तो इन दोनों को हम फॉर्मूला में लगा के हम फाइंड आउट करेंगे पीई, प्रोबेबल एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सम नंबर 54, एन इज इक्वल टू 16 और आर इज इक्वल टू 0.8, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबल एरर, यानी कि पीई फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, तो हमारा जो फॉर्मूला था पीई का, तो पी इज इक्वल टू 0.6745 वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। चलिए, इसमें हम वैल्यू लिखेंगे किसकी, एन और आर की, ठीक है। तो चलिए, 0.6745 वन माइनस आर स्क्वायर यानी कि 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन यानी कि 16। तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा 0.6745, और यहाँ पे सॉल्यूशन हम निकाले तो देखिए 0.8 का जो स्क्वायर निकल रहा है वो क्या होगा, 0.64, ठीक है। और वन में से अगर 0.64 हम माइनस करें तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकलेगी, 0.36, ओके। डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 का अगर रूट निकाले तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकलेगी हमारी, 4, ओके। चलिए, अब इसका सॉल्यूशन निकाले तो क्या निकलेगा, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 0.36 डिवाइडेड बाय 4, ओके। तो हमारी जो पीई की वैल्यू निकल रही है वो क्या है, 0.06, ये हमें मिला है पीई, ओके। देखिए, पीई के जो भी सम है वो एकदम इजी आते हैं, इसमें कोई भी नया टॉपिक आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और पीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट कई बार क्या होता है कि आपको पीई के अलावा एन भी कई बार फाइंड आउट करने को बोला होता है, कई बार आर फाइंड आउट करने को बोला होता है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि हमें फॉर्मूला तो सेम ही लगाना है, सिर्फ ट्रिक आपकी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना क्या सीखा, पीई, ओके। चलिए, इसके और भी हम सम डिस्कस करेंगे पीई के। तो देखिए, आपकी बुक में दिया गया है एक सम नंबर 55, ओके। चलिए, सम नंबर 55 में आपको कहा गया है, फॉर अ बी वेरिएट सैंपल आर इज इक्वल टू 0.5 एंड द प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज इक्वल टू 0.125। प्रोबेबल एरर यानी कि पीई आपको दिया गया है 0.125। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एन और एंड ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबल लिमिट्स ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आपको लिमिट्स भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो लिमिट्स हम फाइंड आउट करना आपको सिखाएंगे, किस तरह से फाइंड आउट करनी है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आर आपको दिया गया है, पीई आपको दिया गया है और फाइंड आउट करना है एन, ठीक है।
चलिए इसका हम सॉल्यूशन निकालें तो किस तरह से निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे इसकी जो आपको वैल्यू दी गई है वो सारी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए आपको दिया गया है सम नंबर 55, आर इज इक्वल टू 0.5। ओके आपको दिया गया है आर 0.5, पीई आपको दिया गया है 0.125। ओके और आपको फाइंड आउट करना है एन। चलिए पीई है तो पीई का हम फॉर्मूला लगाए तो पीई इज इक्वल टू 0.6745 और 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन। ओके चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम निकालें तो देखिए पीई की वैल्यू आपको दी गई है 0.125 इज इक्वल टू 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर यानी कि 0.5 स्क्वायर के डिवाइड बाय अंडर रूट एन, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब अंडर रूट एन को सामने ले जाए और 0.25 को नीचे लाए तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट एन इज इक्वल टू 0.6745। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी तो देखिए 0.5 का स्क्वायर निकलेगा 0.25 और 1 में से 0.25 माइनस करें तो यहाँ पे 0.75 डिवाइडेड बाय 0.125। तो अंडर रूट एन इज इक्वल टू इसकी वैल्यू निकलेगी 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइडेड बाय 0.125। इसकी वैल्यू निकलेगी हमारी 4। ओके 4 समथिंग है, 4.0 है। ओके तो हम क्या निकलेंगे यहाँ पे, इसकी राउंड फिगर ही लेंगे क्योंकि हमें एन फाइंड आउट करना है। एन और एन जो है वो आपका एक नंबर होता है, ठीक है। नंबर फाइंड द नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए गए आई थिंक, ठीक है। तो स्टूडेंट का भी पॉइंट में नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको राउंड फिगर ही लेना है तो यहाँ पे लिखेंगे 4। बट अंडर रूट एन है तो एन की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एन है तो सामने क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट निकालने से सामने स्क्वायर हो जाएगा तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, 16। ओके तो इस तरह से आपको एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करने की बोली होती है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको आर भी फाइंड आउट करने का बोला होता है, ठीक है। तो इस तरीके का भी हम सम डिस्कस करेंगे। चलिए एक और हम सम लेंगे। अच्छा इसमें आपको लिमिट्स बोला गया था कि आपको लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, तो देखिए लिमिट्स जो है वो किस तरह से फाइंड आउट होगी, एकदम सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, आर में एक बार पीई जो है प्लस करना है और आर में एक बार जो पी है माइनस करना है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है। तो लिमिट्स कैसे मिलेगी तो देखिए आर आपको दिया गया है यहाँ पे 0.5 और पीई जो है 125, तो 0.5 में से एक बार 0.125 माइनस करना है और क्या करना है, 0.5 में आपको 0.125 जो है प्लस करना है, ठीक है। ये इसकी लिमिट होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे आर जो दिया गया है 0.5 और पीई दिया गया है 0.125, एक बार आपको क्या करना है 0.5 में से ये पीई माइनस करना है और 0.5 में एक बार पी प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो 0.5 में से अगर 0.125 हम माइनस करें तो इसकी वैल्यू निकलेगी 0.375। 0.5 में 0.125 अगर हम प्लस करें तो 0.625। ये जो है हमारी क्या है, लिमिट है। तो लिमिट आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, कई बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है। उसका सिंपल फॉर्मूला है, एक बार आपको क्या करना है, आर में पी ई माइनस करना है और एक बार क्या करना है प्लस। तो ये जो है दोनों की लिमिट है 0.375 टू 0.625। ओके चलिए एक और सम हम डिस्कस करेंगे जो आपकी इलस्ट्रेशन में दिया गया है, ठीक है। बट इलस्ट्रेशन है फिर भी हम इसका सॉल्यूशन आपको करना सिखाएंगे कि किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए आपको दिया गया है यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0.48, को वेरियस एक्स वाई इज इक्वल टू 36, एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। आपको फाइंड आउट करना है एस वाई। ये आपको एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है तो देखिए यहाँ पे आपको दी गई है वैल्यू जीरो, आर इज इक्वल टू 0.48, को वेरियस एक्स वाई इज इक्वल टू 36 एंड एस एक्स स्क्वायर आपको दिया गया है 16। एस एक्स स्क्वायर 16 हो तो एस एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 4, ठीक है। अगर दोनों साइड आप रूट निकाले तो एस एक्स स्क्वायर है 16 का, अगर
रूट निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, एस एक्स क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, एस वाई की। अब इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, हमने फर्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि कई फॉर्मूला जो है वो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में यूज होंगे, बट आपको पता चलना चाहिए कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपको हमने पहले भी एक ये फॉर्मूला लिखाया था कि आर इज इक्वल टू को वेरियस एक्स वाई, ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको, को वेरियस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स इंटू एस वाई, ये आपको फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है। अब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि एस वाई की वैल्यू, पर इसके पहले हम इन सारी वैल्यू को लिखेंगे। तो देखिए आर इज इक्वल टू 0.48, कोवेरियस आपको दिया गया 36 और एस एक्स दिया गया है 4, आपको फाइंड आउट करना है एस वाई। एस वाई को अगर सामने ले जाए और 0.48 को नीचे लाए तो देखिए क्या होगा, एस वाई इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 0.48। तो एस वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.48 इज इक्वल टू 1.92, ठीक है। तो देखिए 36 को अगर 1.92 से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू निकलेगी 18.75, ये हमारा क्या बनेगा, एस वाई। सबमिशन सॉरी एस वाई आपको मिलेगा यहाँ पे, एस एक्स जो है आपको स्क्वायर में दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है कि कई बार आपको कंफ्यूजन के लिए एस एक्स स्क्वायर दिया गया होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस एक्स किस तरह के निकलेगा इसका रूट कर लेना है, ठीक है आपको। तो हमें क्या मिलेगा, एस वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ओके। तो इस तरह के भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक और लास्ट, इस चैप्टर का हम लास्ट सम देखेंगे। आपको एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, तो आपको कहा गया है यहाँ पे पी ई इज इक्वल टू 0.085, एन इज इक्वल टू 16 और आपको फाइंड आउट करना है आर। देखिए पीई में हमने दो टाइप के सम देखे आपको इसके पहले, एक तो पीई फाइंड आउट करना और एक एन फाइंड आउट करना। अब इस सम में आपको आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किस तरह से करना है वो हम आपको सिखाएंगे। चले पीई है तो पीई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पी इज इक्वल टू 0.6745 वन माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, ठीक है। चलिए पीई आपको दिया गया है 0.085 इज इक्वल टू 0.6745 वन माइनस आर स्क्वायर, तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, अंडर रूट एन यानी कि 16। चलिए इसका सॉल्यूशन हम निकालें, तो देखिए अगर 0. यहाँ पे देखिए 16 का जो अगर रूट निकाले तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4, ठीक है। और 4 को अगर हम सामने मल्टीप्लीकेशन करें 0.085 से, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है देखते हैं, 0.085 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0.34 इज इक्वल टू 0.6745 वन माइनस आर स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन निकालें, तो देखिए 0.6745 को वन माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा, एक तो सबसे पहले तो वन से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या होगा 0.6745 माइनस आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर को अगर इससे मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होगा 0.6745 आर स्क्वायर, इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यू को सामने ले जाए और 0.34 को इस साइड लाए, तो 0.6745 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6745 माइनस 0.34, 0.6745 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6745 माइनस 0.34 इज इक्वल टू 0.3345। अब 0.6745 आर स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3344 डिवाइड बाय 0.6745, ठीक है। तो 0.6745, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49। अब आर स्क्वायर है यानी कि आर स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करने से इसका जो रूट निकालेंगे, ठीक है, आर करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा, तो इसका रूट निकालें तो हमारे पास क्या होगा 0.7, तो आर इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर था, अगर आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सामने क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 0.7। इस तरह से आपके प्रोबेबल एरर में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं लीनियर कोरिलेशन में, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे क्लोज होता है। तो इस चैप्टर में हमने
थ्री टाइप्स का सम देखें, एक तो कार्ल पियर्सन, एक तो और दूसरा है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, और लास्ट वाला हमने आज डिस्कस किया प्रोबेबल एरर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो है लीनियर रिग्रेशन पे आएगी। ठीक है, बट लीनियर रिग्रेशन जो है वो आपको चैप्टर कब आएगा, जब आपको लीनियर कोरिलेशन आता होगा तब। ठीक है, तो आपको लीनियर कोरिलेशन की सारी वीडियोस देखनी है, और आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।